जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अभी नए नए आए होंगे हैं तो आप धीरे धीरे जान जाएंगे मेरे को, जान जाओगे मेरे को धीरे धीरे, तो जाके चैनल को पर सब्सक्राइब करना जरूरी है। फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जैसे ही मैं न्यू ब्लॉग डालूँ यार वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब सोच रहा हूँ कुछ यार आपके लिए अच्छा से लेके आऊँ, कुछ धांसू वाला लेके आऊँ, तो देखते हैं क्या बनता है। तो चलो करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो यार मैं भी एकदम बढ़िया ही हूँ। तो हाँ जा रहा हूँ मैं घर की और, तो इधर सेटिंग नहीं हो रही है, तो सोचा क्योंकि कल से जो है नवरात्रि स्टार्ट है तो तब तक के मैं जा रहा हूँ घर की और। बस अभी गाड़ी भी आ गई और इधर बैठे हुए अपने अपनी साइड के हैं और इधर आगे देख सकते हैं आप। ठीक है ठीक है, ऐसी बात है। तो अभी निकलते हैं घर की और, तो मिलते हैं रास्ते में, जाते बारी बताते हैं आपको भी। Cause I know you're out there somewhere, patient waiting a new air, feeling like your grip might slip too soon, but I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden, I feel your heartbeat. फाइनली तो अभी पहुंच चुका हूं मैं घर में। तो घर में आ गया है जैकी सबसे पहले मिलने, तो आप देख सकते हैं जैकी कैसे मिल रहा है। जैकी हाय कर दे। तो जैकी भाग गया, कविता जो है सामान लेके आई हाथ में थोड़ा सा, तो ले लिंगड़ की सब्जी लेके आई, तो जैकी उधर भाग गया। जैकी आ जा इधर, कम जैकी कम आ जा, चल जंप कर जंप कर। तो देखो आ ही गया, मैंने बुलाया तो उसको आ जाता है, तो इसका ध्यान ज़्यादातर कविता की ओर है। तो आप देख सकते हैं अभी कविता की ओर ही देखा है मेरी, और तो इसका ध्यान है नहीं। गंदू गंदू बच्चा गंदू, मेरा हाथ खाएगा है। आजा गंदू, हाय करो फ्रेंड को पहले, हाय करो। ऐ गंदू हाय कर, हाय करो, लो 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 जेड जी ओ जो, हाय करो हाय करो हाय। ऐ गंदू ये देखो, एक तो यार इन पिटबुलों से मेरे को बहुत डर लगता है, कब काट लें, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी बात है, जकी क्या हो गया जकू, हाय कर लो, हेलो कर दो, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो। देखो जंप तो कर लेता है एकदम, जैसे जंप करने के लिए बोले थे उसको जंप कर लेता है। तो ऐसा है, अभी कविता भी थोड़ा सा काम करी, तो मिलाता हूँ मैं कविता से भी आपको। तो अभी जो हूँ मैं रूम में आ गया हूँ, खाना वगैरह खा लिया है। तो कविता को मैंने अभी मिलाया नहीं, क्योंकि कविता ने मना किया हुआ था कि मेरे को अभी मत मिलाना, मैं बाद में मिलूँगी रूम में। तो ऐसी बात है, वो कुछ काम क्या मतलब खाना वगैरह बना रही थी, तो उस टाइम उसने मना ही कर दिया कि नहीं मिलूँगी मैं। तो ऐसी बात है, तो अभी जब वैसे ही कविता रूम में आ जाएंगी तो मैं आपको मिला दूंगा। तो यार मैं सफ़र भी बहुत हो रहा मेरा, क्योंकि मैं वहाँ से निकला उसके बाद जो थी फ़ोन की बैटरी हो गई थी डेड, बिल्कुल ही बैटरी तो लो हो गई थी। तो करके मैं यार उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाया। तो फिर मैंने जो है घर आके थोड़ा सा, मेरे को घूम वगैरह लगी हुई थी गाड़ी की, तो गाड़ी बहुत स्पीड में आई हुई है, मतलब हम बहुत स्पीड में आए हुए थे मनाली से। तो ऐसी बात है, फिर मतलब मेरे शरीर में जो थी, शरीर में घूम लग गई थी, तो मैं तो मतलब वो कर ही नहीं पाया। तो फिर आके सो गया था, उसके बाद मतलब अंधेरा ही हो गया था, जैसे आधा अगर घंटा सोया मैं, मतलब फ़ोन की बैटरी वगैरह चार्ज हो गई थी। तो ऐसी बात है, तो आती जैसे कविता आई तो मैं आपको मिला दूंगा। अभी मिलाने जा रहा हूँ मैं कविता से, कविता तो मतलब वो ये कि मैं कैमरे के सामने, तो पीछे देख सकते हैं कविता। पहली बार आ रही हूँ कैमरे में, थोड़ा एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, मेरी बेइज्जती करवाने को अच्छा लगता है। ऐसी बात है, तो कविता से कर लो मुलाकात, हाय हुए बोल दे, बोलो इतने दिनों के बाद ब्लॉग के अंदर आ रही है, तो बोल दे इनको। इन्होंने आते मेरी बेइज्जती कर ली, अब क्या बोल रही है, बोलने को नहीं रहा। बाकी छोड़ो, आप सब बताओ आप सब कैसे है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक हो रहे। बस यही, और आपसे कितने दिन बाद हो रही है मेरी बात, पाँच छह दिन, चार पांच दिन, हाँ ज्यादा नहीं हो। और शायद कल का ब्लॉग मैं बनाऊँ, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं, क्या पता। देखो ऐसी बेइज्जती करते हैं मेरी। नहीं यार बेइज्जती मैंने कहा की, तो उस दिन वो ब्लॉग बनाया, वो मैंने अकेले में बनाया, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था। अगर ये साथ में होते ना तब नहीं मैं बना पाती वैसे, क्योंकि ये पीछे से लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने, कार्टूनों की तरह। तो फिर मैं क्या लग रहता हूँ कार्टून की तरह पिक्चर्स करते रहते हैं, शरारते ऐसी वैसी, ताकि मैं अच्छे से बना फिर बेइज्जती करेंगे कि हाँ तूने ब्लॉग नहीं बनाया अच्छा ये वो। इसलिए उस दिन अकेली थी मैंने, तब बनाया मैंने वो थोड़ा तो क्या, ज्यादा नहीं। देखो इसको क्या लगती है, अकेले में थी तब बनाया। तो यार
ये ऐसा नहीं होता, होता है यार थोड़ा सा उस दिन अकेले में की तो कहीं अकेले में इसको थोड़ा हौसला पड़ गया था। तो अब मैं बोलता हूँ कि यार इस तरीके से ऐसे ऐसे कर, तो ये लग जाती है। उस दिन बोला मैंने कि यार ऐसा मैं बिल्कुल ऐसे करती है, ऐसे करती है। तो मिलते हैं बाद में। यार अभी जो है हम छत पर आ गए हैं, छत पर इसलिए आए एक्चुअली थोड़ा सा जो है हमने बीज बोया हुआ है फूलों का बीज, तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने, तो उसको बोया हुआ है तो उसको जो है अब शाम को पानी दे रहे हैं, मतलब तो ऐसी बात है। तो कविता चली है मेरे आगे आगे, आपको देखेगी तो ये है कविता। तो इधर ये लगे हुए हैं अपने गमले, अभी इन पर जो है ये लगानी है, यहाँ से लगाया हुआ है मैंने इधर तक। तो नीचे भी दिखेंगे आपको यहाँ से नीचे, तो ये लगे हुए हैं यहाँ नीचे से लाइन बार, तो मैं इनको बता दूंगा आपको नीचे जाके। तो अभी बस पानी वगैरह दे रहे हैं हम, तो इनको पानी देने के बाद मिलते हैं आपके साथ। अभी पानी वगैरह दे बैठे हम, तो अभी जा रहे हैं नीचे। कविता चली है मेरे से आगे आगे, तो मैं पीछे पीछे चला हूँ, तो बहुत दिन के बाद आया चलती है। हाँ हाँ तो पीछे चलती है आगे चलती है। तो यहाँ ये लगे हुए मेरे गमले इधर ऐसे, ये तो सूख ही गया, इसमें एलोवेरा है ये भी सूख गया, और ये वाले लगे हुए इधर, तो आप देख सकते हैं यार ये वाला फूल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ये जेट प्लांट बोलते हैं इसको, और ये है ये भी सूखा हुआ है, अभी इसमें पत्ते आ रहे हैं, ये इधर ही फूल लगे हुए हैं, और ये वाला फूल भी यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं यार पिंक कलर में है, क्या मस्त है। और उसके बाद इस पर भी ऐसे ब्लू कलर के फ्लावर आ रहे थे, और ये भी सूख ही रहा है, मतलब जैसे पानी की दिक्कत हो रही है ना, धूप इतनी तेज है इनमें, मतलब इसमें भी पत्ते वगैरह आ रहे हैं, और इसमें भी देख सकते हैं आप अभी छोटे छोटे लग रहे हैं पिंक कलर के फूल, और ये भी जेड प्लांट है छोटे वाला, तो इसका नाम मेरे को पता नहीं है नाम क्या क्या है, फूल लगता नहीं है, फूल लगता नहीं है, ऐसे पत्ते पत्ते होते हैं इसके। तो यहाँ ये लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा हम ऊपर भी कर रहे हैं, मतलब जैसे और वराइटीज़ है उनको थोड़ा बीज लेके आए हुए हैं, तो उधर बीज लगा रहे हैं। और यहाँ पे बता दूँ मैं, इधर है चिड़िया का घोंसला, तो यहाँ रहती है चिड़िया, तो मतलब पहले तो कटारू बोलते हैं, उन्होंने बनाया हुआ था इसको, तो अभी जो है यहाँ घर चिड़ी बोलते हैं वो रहती है इधर। तो एक मैं इसको ले आया था इधर, और एक उधर है, लाइट कर दे ऑफ उधर से, तो इनको भी लेके आ गया था मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा शौक है यार पक्षी वगैरह वो करना, मतलब इनको पिंजरे के अंदर बंद करना इतना शौक नहीं मेरे को कि पिंजरे के अंदर इनको बंद रखे ना, ये कभी ऐसा करना चाहिए, कभी पक्षी को पिंजरे के अंदर नहीं बंद करना चाहिए, मतलब जैसे घोंसला वगैरह रख दिया उसमें आया उसमें बैठे उड़ गए, मतलब इनको रहने के लिए ठिकाना मिल जाएगा जैसे, मतलब वो मेरे को ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो ऐसी बात है, मैं मतलब खुद ब खुद ले के आ रहा था मैं, फिर वो ठीक नहीं लगता यार, उन्होंने उड़ जाना था, उन्होंने दोबारा यहाँ जैसे तोता था, तोते को लेके आ रहा था मैं, तो क्योंकि वो टिक नहीं पाते थे, उनको पिंजरे के अंदर बंद रखना, अगर हमें भी एक कमरे में बंद रखे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा कि यार एक कमरे के अंदर बंद है, तो उसको छोड़ दे तो उड़ जाएगा, मतलब मैं ऐसे लेके आ रहा था मैंने कि जो डेली आए और उड़ के जाए, जैसे हाँ मतलब कबूतर वगैरह होते हैं ना, कबूतर डेली आते हैं उड़ भी जाते हैं, वापिस आ जाते हैं कबूतर ना, ऐसा है। तो देखते हैं अभी बनेगा अपना धीरे धीरे प्लान, तो बताते रहेंगे आपको जैसे धीरे धीरे लेके आऊंगा मैं ये चीज़ें। तो फिलहाल डॉगी नहीं था मेरे पास, तो ये जिस का डॉगी लेके आया था मैं पिटबुल इधर, तो पता नहीं ये भी कितने दिन का मेहमान है यार, मैं तो थोड़े से दिन के लिए लेके आया था, तो ऐसा है। तो अब शायद पता नहीं यहीं या इसको यहीं रखें या ले जाएं, ये तो पता नहीं है। तो ऐसी बात है, तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म इन चंद बातों के साथ। तो यार सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप मेरे को पता है आप सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि आप अभी नए नए आए हैं, तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जैसे मैं न्यू ब्लॉग डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।